हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन धाकड़े, वेलकम टू फ्लाई अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जिसे हिंदी में मुहावरे कहते हैं और इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं, जो हम जनरली हिंदी की कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं और इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं प्रोवर्ब्स जो होती हैं हम इनको डायरेक्टली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ मेन प्रोवर्ब जो हम जनरली यूज़ करते हैं और हम इंग्लिश उनको इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली प्रोवर्ब, A bad workman quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. इसका मतलब होता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जी हाँ, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो उसको हम कैसे बोलेंगे इन इंग्लिश? A bad workman quarrels with his tools. नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। Second is सेकेंड है आपका अ वर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अ वर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, इसका मतलब होता है दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। जी हाँ, ये प्रोवर्ब हम बहुत यूज़ करते हैं जनरली, जब क्या होता है कोई अगर किस चीज़ में धोखा खा लेता है, कुछ हो जाता है, वो उसको धोखे मिल जाता है, क्या कहते हैं फिर, भाई दूध का जला है छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। तो वो ही उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ वर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अ वर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। थर्ड है अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन बहुत सरल है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, हिंदी में हम बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ ड्रॉप इन ओशन, मतलब समुद्र में एक बूंद। तो वही बात हो गई, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा हम जनरली कब यूज़ करते हैं? जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो और उसको बहुत कम चीज़, ना के बराबर कोई चीज़ मिल जाए, तो उसको हम कहेंगे ऊँट के मुँह में जीरा। अगला है अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल। अ हनी टंग अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल बहुत सरल है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है बगल में राम। इसका हिंदी में मतलब होता है मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल, तो मुंह में राम बगल में छुरी। एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, क्या हुआ इसका मतलब? आई एम्प्टी वेसल साउंड मच, हिंदी में कहते हैं थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना, या ये कह सकते हैं कि एक जो खाली बर्तन होता है उसमें बहुत ज़्यादा वो आवाज़ करता है, खाली बर्तन। तो इसको एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, जो खाली बर्तन होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो हिंदी में एक प्रोवर्ब है, इसको कहते हैं हिंदी में मुहावरा क्या होता है? थोता चने बाजे घना। मुहावरा नहीं, लोकोक्तियाँ होती हैं, लोकोक्तियाँ। तो यहाँ पे लेकिन एज यू सो सो यू रीप, एज यू सो सो यू रूप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, ये है ना ये, तो बोया पेड़ बबूल की ये। तो एज यू सो सो यू रीप, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, वही फसल आपको मिलेगी। डू गुड एंड कास्ट इट इन टू द रिवर, कहते हैं ना कई बार कि डू गुड एंड कास्ट इन टू अ रिवर, मतलब नेकी कर दरिया में डाल। कई बार हम बोलते ना कि अरे चलो छोड़ो यार, नेकी कर दरिया में डाल। क्या होता है कि कई बार हम किसी पे एहसान करें, कुछ भी चीज़ करें और लोग क्या उसका मानते नहीं है वो चीज़, तो हम कहते ना कि यार चलो छोड़ो यार, नेकी कर दरिया में डाल। तो वही इसका मतलब, डू गुड एंड कास्ट इट इन टू द रिवर। नेक्स्ट है ड्रॉइंग मैन कैचेज एट स्ट्रॉ। ड्रॉइंग मैन कैचेज एट स्ट्रॉ, इसका मतलब है डूबते को तिनके का सहारा होना। क्या है? डूबते को तिनके का सहारा। ड्रॉइंग मैन कैचेज एट स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट है इट टेक्स टू मेक क्वारल। इट टेक्स टू मेक क्वारल, मतलब कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो हाथ होने चाहिए ताली बजाने के लिए। तो वही बात है भैया, लड़ने के लिए कोई दो लोग आपको चाहिए चाहिए, कि कोई एक अकेला आदमी अपने आप से नहीं लड़ सकता। तो इट टेक्स टू मेक क्वेरल, मतलब इसको जो हमारी जो हिंदी में लोकोक्ति है वो क्या है आपकी हिंदी में? एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहते ना यार वो जब देखो जब मुझसे लड़ता रहता है, मेरे बारे में बोलता रहता है, तो अधिकतर क्या बोलते हैं? एक हाथ से ताली नहीं बजती, तुमने भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स टेक टू मेक क्वेरल। लास्ट एंड बहुत शानदार, टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन। टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से
दो निशाने, एक तीर से दो निशाने लगाना, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना इंग्लिश में कहेंगे, और वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तीर से दो निशाने लगाना। तो इसी तरीके से आपकी 10 जो प्रोवर्ब थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी तरह के वीडियोज और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जितने भी वीडियोज आने वाले हैं उनको आप मिस ना करो। और अगर आपको जो भी आपसे और भी इस तरह के वीडियो चाहिए, आपको अगर इन वीडियो को इंग्लिश बोलने में अच्छा लगता है, आपको बढ़िया मज़ा आता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।